मुजफ्फरनगर में शातिर चोर लुटेरे अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत के निकट पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर आयुष विक्रम सिंह व प्रभारी निरीक्षक बबलू सिंह वर्मा थाना सिविल लाइन के कुशल नेतृत्व में दिनांक आज थाना सिविल लाइन पुलिस व SOG प्रथम टीम द्वारा की संयुक्त कार्यवाही की गई, जिसके अंतर्गत शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त गण के कब्जे से निशानदेही से कुल 4 बुलेट मोटरसाइकिल, 4 कार व अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं। अभियुक्त गण की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। आज जो हमारी SOG फर्स्ट टीम है और सिविल लाइंस के थाने की टीम है, इन दोनों ने जॉइंट ऑपरेशन करके एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये अंतर्राज्यीय गिरोह हाईटेक चोरियां करता है, स्पेशली वाहनों में डील करता है, वाहनों में भी नए वाहन चुराता है, नए वाहनों में भी इनके पर्टिकुलर क्लास ऑफ व्हीकल्स हैं। जैसे बाइक्स में ये सिर्फ बुलेट चोरी करते हैं, हम लोगों के पास 14 बुलेट बाइक्स बिल्कुल नई ब्रांड न्यू बुलेट बाइक्स रिकवर की है हम लोगों ने, 4 कार इसके अतिरिक्त बरामद हुई है चोरियों की। तो इसमें से 2 गाड़ियां, 1 कार और 1 मोटरसाइकिल जामिया दिल्ली की जामिया क्षेत्र से कनेक्ट भी हो चुकी हैं, उनके रिलेटिव FIRs लिखे हुए हैं। इन सभी केसेस में मोस्टली FIRs पंजीकृत होने चाहिए, वी आर नॉट वेरी श्योर, क्योंकि जो गाड़ियों के चेसिस नंबर्स हैं वो इन लोगों ने डिसरप्ट किया है, उसको हमने FSL से वापस हम उसके प्रॉपर चेक करके उसके नंबर्स हम निकाल पाएंगे। नंबर्स निकालने के बाद उनसे FIRs उनके संबंधित डॉक्यूमेंट्स को मैच किया जाएगा। इसमें बेसिकली जो इन्होंने अपने गैंग को 3 अलग अलग भागों में बांट लिया है और तीनों अलग अलग भाग आपस में बहुत ही मिनिमम कम्युनिकेशन रखते हैं। सबसे पहला भाग वो है जो चोरियां करता है, फिजिकली वो पूरा एक पार्ट है, चोरी करके वो कागज़ बनवाते हैं, इसके फर्जी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं इसके। दूसरा भाग वो है जो इसके पोटेंशियल बायर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और तीसरा भाग वो है जो एक्चुअली जाके उन पोटेंशियल बायर्स के पास इनको बेच के आते हैं। जो पहला स्टेज है उस स्टेज के फिक्स अमाउंट वो लेता है हर गाड़ियों के चोरी करने के बाद, उस फिक्स अमाउंट के बाद जो सेकंड और थर्ड स्टेज है ये मिलके मैनेज करते हैं, जितने में भी ये गाड़ी बिक जाए जो भी प्रॉफिट होता है उसको ये लोग आपस में शेयर कर लेते हैं। बुलेट जो है लगभग हर बुलेट 2 से 3 लाख के आसपास की इंडिविजुअल बुलेट्स हैं, और जो कार है विटारा ब्रेजा कार है, मारुति ईको है, मारुति सियाज है और एक मारुति डिज़ायर है। टोटल हम लोगों ने अभी 7 मुलजिमों के साथ हिरासत में ली, 9 हिरासत मुलजिमों की हिरासत में लिया है, और इसमें एक जो प्रमुख व्यक्ति जिसके साथ और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जो प्रमुख चोरियां करते हैं वो आदिल उर्फ आदि, वो अभी हमारे गिरफ्त से बाहर है, हम उसे ढूंढ रहे हैं, हम जल्दी उस टीम उसे गिरफ्त। अमित और सुमित नाम है इनका, ये हमारे ही मुजफ्फरनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, मंडी क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये पहले भी जेल जा चुके हैं, इन पे पहले शराब के मुकदमे थे, फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने मोडस ऑपरेंडी स्विच किया, इन पे गैंगस्टर भी लगा, उसके बाद अब ये चोरियां कर रहे हैं कि दोनों भाई फिर रंगे हाथ पकड़े गए हैं, सारी चीज़ें रिकवर हुई हैं, इस बार भी मुकदमा लेकिन इनको जेल भेज रहे हैं और अच्छी कर। सारी गाड़ियाँ NCR क्षेत्र की, देखिए जो वो गैंग है जो हमारी गिरफ्त से बाहर है, जो गाड़ियाँ चोरी करके इनके कागजात बना रहा है, इन पे गंभीर धाराओं मुकदमा लिखा जाएगा। इन सब में जो हमने अभी मुकदमा लिखा है उसमें फ्रॉडजरी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, 10 साल से ऊपर की सज़ा है, चोरियां तो हैं ही, चोरी उस अपराध में मैं कहूंगा कि रिलेटिवली छोटा अपराध हुआ, क्योंकि फॉर्जरी और फ्रॉड्स के ज़्यादा गंभीर मुकदमे इनको झेलने पड़ेंगे।